पॉसिबल एक ऐसा वर्ड है दैट ओपन्स अप मैनी एवेन्यूज फॉर ईच वन ऑफ अस. और आज जब मैं ये सोच रहा था तो मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स आए दैट आई थॉट दैट आई शुड शेयर विद यू, और वो वर्ड पॉसिबल से स्टार्ट हुए. इवन द वर्ड्स इसका जो अपोजिट है दैट इज इम्पॉसिबल, इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल. तो मैं ज़िंदगी के जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि वट एवर आर ड्रीम इज़, वट एवर आर गोल इज़, वट एवर आर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ इज़, दैट ड्रीम गोल एंड ऑब्जेक्टिव इज़ पॉसिबल. आपको सिर्फ अपने माइंड को ये ट्रेनिंग देनी है कि इट इज़ पॉसिबल. आप अपने माइंड से जो पूछेंगे माइंड आपको उसका आंसर देगा. लेकिन अगर आप माइंड से ये पूछेंगे कि 5,000 रुपया कैसे कमाना है तो ये सिर्फ आपको 5,000 रुपया कमाने का तरीका ही बताएगा. अगर आप 50,000 का पूछेंगे तो ये आपको 50,000 रुपया कमाने का तरीका बताएगा. आप इससे 1,00,000 रुपये का पूछेंगे तो ये आपको वो वेज बताएगा जिनसे 1,00,000 रुपया बनाया जा सकता है. लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स करनी पड़ेंगी. इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना पड़ेगा. माइंड इज़ अ वंडरफुल फैक्ट्री. आप इसको फैक्ट्री की तरह काम करता है. जो कुछ आप इसके अंदर डालेंगे ये आपको उसी तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा. अगर आप गारबेज इसके अंदर डालेंगे तो ये गारबेज ही आउट कर देगा. और ये लाइफ जो है ये प्लास्टिक की तरह भी है. आप इसे मोल्ड कर सकते हैं, आप इसे रीमोल्ड कर सकते हैं, आप उसे फिर से मोल्ड कर सकते हैं, आप उसे फिर से रीमोल्ड कर सकते हैं. तो हमेशा ये चीज़ जहन में रखें कि वट एवर योर ड्रीम इज़, इट इज़ पॉसिबल. तो मैं 4 key points आपके साथ आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और ये 4 key points जो हैं ये आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे. अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगे. बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी अगर हमारा ड्रीम अचीव ना हुआ, डजंट मैटर, ज़रूरी नहीं है कि हर ख्वाब जो है वो पूरा हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर जंग जो है वो जीती जाए. ज़रूरी ये इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस ड्रीम को अचीव करने के लिए जो कुछ करेंगे और उसके नतीजे में आप जो बन जाएंगे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट बिल्कुल ऑफ कोर्स ड्रीम को अचीव करना है, लेकिन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे. आप जो नॉलेज अपना इम्प्रूव करेंगे, जो स्किल्स अपने इम्प्रूव करेंगे, जो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करेंगे, जो आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करेंगे, जो आप अपने ऊपर काम करेंगे, जो आप लर्निंग लेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं ये मिला के जो प्रोडक्ट सामने आएगी वो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट होगी. और ये इम्पॉर्टेंट नहीं होगा कि वो गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, इम्पॉर्टेंट ये होगा कि उस गोल को अचीव करते करते आप क्या बन गए हैं. तो मेरे जो 4 key points हैं उनमें जो पहला पॉइंट है दैट इज़ लर्न टू एक्सेप्ट चैलेंजेस. लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस. दुनिया में एक ही जगह है जहाँ पे बिल्कुल सुख है, अमन है, चैन है, शांति है, और वो जगह का नाम है ग्रेवयार्ड. कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को कोई चैलेंज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लोग वहाँ एट पीस हैं, आराम फरमा रहे हैं. अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर चैलेंजेस हैं तो इसका मतलब ये लाइफ की भी एक इंडिकेशन है, आप ज़िंदा हैं. और लाइफ हमेशा जो है वो आपके सामने चैलेंजेस को लेकर आती है. लाइफ इज़ हार्ड एंड आई ऑलवेज से इफ़ इट इज़ हार्ड देन लेट्स डू इट हार्ड. आप ऐसे ही करना पड़ेगा. आपकी ज़िंदगी में एक चैलेंज आएगा, आप उस चैलेंज से जब निपट चुके होंगे तो ज़िंदगी आपके सामने दूसरा चैलेंज ले आएगी. जब दूसरा चैलेंज ख़त्म होगा तो ज़िंदगी आपके सामने तीसरा चैलेंज ले आएगी. कहते हैं कि डोंट विश फॉर लेस चैलेंजेस, विश फॉर मोर स्किल्स, ताकि आप उन चैलेंजेस को कामयाबी के साथ फेस कर सकें. और ज़िंदगी हमेशा चैलेंज उस वक्त सामने लेकर आती है जब हम लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई चैलेंज आएगा, तो पता लगता है कि ज़िंदगी के अंदर एक और चैलेंज आ गया है. लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम इन चैलेंजेस को फेस करते हैं, इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, एक चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं, दूसरे को फिनिश करते हैं, तीसरे को फिनिश करते हैं, कर करके हम अपनी एक आदत डेवलप कर लेते हैं. और वो आदत क्या होती है कि जब भी कोई चैलेंज हमारे सामने आता है, हमारा
हम उस चैलेंज को स्माइलिंग फेस के साथ एक्सेप्ट करते हैं और उसे डील करते हैं। यही वो चीज़ है जिसको लर्न करने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोज़ेस, ये चैलेंजेस से भरपूर है और आपके सामने हर वक्त चैलेंजेस आएंगे। ऑल यू नीड टू डू इज़, कहते हैं कि एक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका रिएक्शन है कि आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। तो ज़िंदगी अगर आपके सामने चैलेंजेस लेकर आ रही है, विद स्माइलिंग फेस डील विद इट, विश फॉर मोर स्किल्स ताकि आप उन चैलेंजेस को हैंडल कर सकें। विद दिस माय सेकंड पॉइंट इज़ वर्क हार्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अगर कोई ये समझता है कि इट इज़ नॉट ईजी, हमें कंटिन्यूसली जो है वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा इफ़ वी वॉन्ट टू अचीव आर ड्रीम्स, आर गोल्स। स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क के साथ हमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम क्या सही सिमत में जा रहे हैं, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ज़िंदगी के, उनको अचीव करने के लिए हमारी डायरेक्शन का भी सेट होना ज़रूरी है। हमें फोकस रहना पड़ेगा, हमें जूम आउट करना पड़ेगा, जूम इन करना पड़ेगा, ताकि हम एग्जैक्टली देख सकें कि हमारे हार्डवर्क के साथ कोई और रिलेटेड इश्यूज तो नहीं हैं। लेकिन हमें उसके साथ साथ जो है ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हर हार्डवर्क जो है वो रिवॉर्ड शायद उस तरह से नहीं होता। एग्जांपल उसकी जो है वो हमें लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग से मिलती है। एक किसान जो है वो फसल को बोता है, वो सारा सीज़न उसके ऊपर मेहनत करता है, वो बीज बोता है, उसको पानी देता है, उसको धूप भी मिलती है फसल को, वो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बारिश भी टाइम पर होती है, फसल पक के तैयार हो जाती है। जिस दिन फसल काटनी होती है उससे एक दिन पहले अगर ओले पड़ जाएं, सारी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। लेकिन क्या किसान अगले सीज़न में जो है वो फसल नहीं बोएगा? अगले सीज़न में भी फसल बोएगा, अगले सीज़न में भी यही हुआ तो उससे अगले सीज़न में भी फसल बोएगा। वो हार्डवर्क अपना कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यूसली मेहनत करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, और एक दिन उसकी मेहनत जो है वो फल ले आती है। तो हमें भी अपना हार्डवर्क भी करना है और अपने आप को पॉजिटिव भी रखना है, और हमें ये भी देखना है कि हार्डवर्क करते हुए हम जो एवरेज वर्किंग आवर्स हैं, पॉजिटिव भी रहना है और स्माइलिंग फेस भी रखना है। एवरेज जो वर्किंग आवर्स हैं, नॉर्मली कॉमन लोगों के वर्किंग आवर्स 40 होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब मैं ये स्टडी कर रहा था कि सक्सेसफुल लोगों के वर्किंग आवर्स कितने हैं, आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि बहुत से जो वर्किंग सक्सेसफुल लोग हैं उनके वर्किंग आवर्स दे गो फ्रॉम 60-80 वर्किंग आवर्स पर वीक तक चले जाते हैं। इतना ज़्यादा वो हार्ड वर्क करते हैं कि कामयाबी इन दी एंड उनके कदम चूम लेती है। यही आदत हमें डेवलप करनी पड़ेगी। लोग 9 to 5 जॉब करते हैं और 5 बजे के बाद जब घर जाते हैं तो थके हुए होते हैं, सोफ़ा पे लेट जाते हैं, बेड पे लेट जाते हैं, और ये फील करते हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। माइंड को जैसा आप ट्रेन करेंगे, मैंने पहले पॉइंट में भी ये डिस्कस किया, वैसा ही माइंड आपको रिजल्ट देगा। आप रात 9 बजे ये फील करना शुरू कर दें कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आपका मूड चेंज हो जाएगा और आप दोबारा से फ्रेश और एनर्जेटिक फील करना शुरू कर देंगे। तो हमें हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने आप को पॉजिटिव भी रखना है और अपने आप को थकाना भी नहीं है। और मेरा जो तीसरा पॉइंट है, दैट इज़ लिसन टू दोज हु इंस्पायर यू। मैं नहीं कहता कि आप मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं मोटिवेटेड हो जाएं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना शुरू कर दें। समबडी सेड वंस कि अगर आप एक बंदा ईडियट है और आप उसे मोटिवेट कर दें तो अब वो क्या बन जाएगा? मोटिवेटेड ईडियट बन जाएगा। तो मेरा ये है कि हम लर्न करें चीज़ों के साथ। मोटिवेशन जाहिर है हर बंदे को चाहिए होती है, लेकिन लर्निंग जो है वो अपनी डेवलप करें, और लर्निंग जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है अर्निंग के साथ। कहते हैं कि लर्निंग इज़ नॉट ओनली पावर बट लर्निंग इज़ इनकम, लर्निंग इज़ मनी। आपकी जैसे जैसे लर्निंग इम्प्रूव होती जाएगी आपके पैसे भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ें जो हैं इनका रिलेशनशिप है। आप अपनी लर्निंग डबल कर लें, आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी। आप अपनी लर्निंग ट्रिपल कर लें, आपकी अर्निंग ट्रिपल हो जाएगी। तो आप ऐसे लोगों के साथ जो है वो
उठना बैठना शुरू कर दें जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है। आप कहते हैं कि फेथ कम्स बाय लिसनिंग, आप ऐसी चीज़ें सुनना शुरू कर दें जिससे आपका फेथ जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। आप ऐसे लोगों के साथ अपने आप को सराउंड कर लें हु ऑल्सो सी ड्रीम्स, जिनके अपने ख्वाब भी हैं और वो बड़े ख्वाब देखते हैं। आप कहते हैं कि यू आर एन एवरेज ऑफ फाइव ऑफ योर फ्रेंड्स यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद, आप ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारें जो आप जो ज़िंदगी के अंदर कुछ बनना चाहते हैं। पीपल हु वॉन्ट मोर इन लाइफ, हु डजंट नीड मोर इन लाइफ, ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें ताकि आपको उनसे कंटिन्यूसली इंस्पिरेशन मिलती रहे कि मुझे ये करना है। अगर आप हम अब टीवी को देखें, मोस्टली टीवी वॉचर्स हैं, फेसबुक को लोग देखते हैं, यूट्यूब को देखते हैं, तो उस पर देख क्या रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ें उस पर देखना शुरू कर दें जो आपको इंस्पायर करती हों। आपका जो भी टॉपिक है, जो भी आपके ज़िंदगी का गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उससे रेलेवेंट अगर आप वीडियोज़ को देखेंगे, उससे रेलेवेंट ऑडियोज़ सुनेंगे, उससे रेलेवेंट बुक्स पढ़ेंगे, उससे रेलेवेंट टीवी प्रोग्राम्स देखेंगे, तो यू विल गेट टू नो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको वो जो पॉसिबल मैंने स्टार्ट में बात की कि आपको वो चीज़ जो है वो पॉसिबल नज़र आना शुरू हो जाएगी, वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा क्योंकि हर चीज़ सबसे पहले आपके माइंड में होती है और उसके बाद वो एक्चुअल में होती है। हर चीज़ पहले आप माइंड में मेकअप करते हैं और उसके बाद आप उसको एक्चुअल प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर लेकर आते हैं। तो एटलीस्ट जब आप ऐसे लोगों के साथ ऐसी वीडियोस देखना शुरू कर देंगे, ऐसे लोगों को सुनना शुरू कर देंगे, ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर देंगे हु इंस्पायर यू, तो आपके ज़िंदगी के अंदर जो है वो जो इम्पॉसिबल एटीट्यूड है वो पॉसिबल एटीट्यूड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जी मैं पॉवर्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर हम गरीब जो पुअर फ्रेंड्स होते हैं अगर हम उनके साथ बैठें और उनकी बातें सुने तो बातें क्या होती हैं। कल खाना मैंने खिलाया था, आज खाना तुम खिला दो, इस पर लास्ट वीक मूवी मैंने दिखाई थी, इस वीक मूवी तुम दिखा दो। अगर हम अमीर दोस्तों के साथ बैठें और उनसे सीखने की कोशिश करें तो उनकी बातें फ़र्क होती हैं। वो बात करते हैं कि एक गाड़ी ले ली है, दूसरी गाड़ी कैसे लेनी है, एक फैक्ट्री लगा ली है, दूसरी फैक्ट्री कैसे लगानी है, एक ऑफिस ओपन कर लिया है, दूसरा ऑफिस कहाँ पे ओपन करना है, टर्नओवर को कैसे इनक्रीज़ किया जाता है, नेटवर्थ की बातें करते हैं। लेकिन ये बातें आपको आप ऐसे लोग जो इंस्पायर्ड ही नहीं हैं, जो ज़िंदगी के अंदर कुछ करना ही नहीं चाहते, अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो वो आपको हर वो रीज़न बताएंगे जिससे आपको ये पता चले कि आपका ड्रीम जो है वो इम्पॉसिबल है। तो आप अपने आप को सराउंड भी उन लोगों के साथ कर लें जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलती है ताकि आपको अपनी ज़िंदगी का जो गोल है, जो पर्पस है, जो ड्रीम है, वो पॉसिबल नज़र आना शुरू हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दिस आई कम टू माय फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट एंड दैट इज़ ड्रीम बिग। ये मेरी अपनी पर्सनल ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम बहुत बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखते और छोटे छोटे ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब पूरे हो जाते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी का फिर फर्दर ड्रीम्स, गोल्स, पर्पस ही नहीं समझ आ रहा होता कि अब क्या किया जाए। सो एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट हैपन्ड टू मी, कि मैंने बड़े ख्वाब ही नहीं देखे थे, ख्वाब ही छोटे छोटे थे, वो सारे के सारे पूरे हो गए। एंड लेस ब्राउन वन सेड द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट यू एम टू हाई, द प्रॉब्लम इज़ दैट यू एम टू लो एंड यू हिट। यही एग्जैक्टली प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी आपका ड्रीम है, ख्वाब बड़े देखने चाहिए। आप ये जो वर्ड है ना पॉसिबल, इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएँ और जितना भी बड़ा ख्वाब आप देखेंगे आपको एक दिन रियलाइज़ होगा कि इससे भी बड़ा ख्वाब देखा जा सकता था। मेरे पास एग्ज़ाम्पल है इमरान खान की। इमरान खान wanted to become the Prime Minister of Pakistan. It took him 22 years. तो ऐसे बड़े ख्वाब ज़रूर देखने चाहिए जिसके पीछे एक स्ट्रगल हो और लंबी स्ट्रगल हो ताकि उस ख्वाब को आप अचीव करने के लिए, वो बहुत जल्दी अचीव हो गया तो फिर ख्वाब बदलना पड़ जाएगा। ख्वाब को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हर वो ख्वाब ड्रीम बिग के साथ ये है कि वो ड्रीम बिग तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ 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 हमें छोटे छोटे स्टेप्स, मेजरेबल स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। हमें अपने जो गोल्स हैं उन्हें सेट करना पड़ेगा और वो गोल्स छोटे छोटे करके आप आगे स्लोली एंड ग्रेजुअली आप छोटे गोल पोस्ट सेट करते जाएंगे कि अच्छा जी ये एक बड़ा ड्रीम है जो आपका लॉन्ग टर्म है, एक उसके साथ साथ आपको छोटे शॉर्ट टर्म जो है
वो गोल्स आप सेट करेंगे ताकि वो बड़ा ड्रीम जो है वो अचीव हो सके. ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल इन वन डे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हम बड़े ख्वाब देखते ही नहीं हैं, हम अपने आप को वो एनविजन ही नहीं करते हम क्या बन सकते हैं. ये एक इशू है जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर फेस किया, एंड आई डोंट वॉन्ट दैट यू शुड फेस दिस चैलेंज कि आप ख्वाब बड़ा देखते ही नहीं हैं, आप ख्वाब ही छोटे देखते हैं और वो ख्वाब आपके पूरे हो जाते हैं. सो ड्रीम बिग, और ज़िंदगी में याद रखिएगा नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. आप अपने दिमाग से ये पूछना शुरू करें कि क्या पॉसिबल है. आपने कभी अगर किसी सिगरेट वाले को देखा हो, जिसको जो स्मोकर होता है, उसके पास पैसे हों या ना हों, रिगार्डलेस वो आपको, अगर उसके पास उसने सिगरेट पीना हो और पैसे ना हों, तो वो आपको वो कहीं ना कहीं से सिगरेट जो है ना वो ज़रूर पैदा कर लेता है. ये है माइंड, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. माइंड टेल्स हिम मिलियन ऑप्शंस कि ये सिगरेट कहाँ से मिल सकता है. सेम इज़ द केस विद एवरीथिंग, जो हम अपने माइंड से पूछेंगे ये उसी तरह का आपको जवाब देगा. अगर आपको कहीं पे जाना हो, आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाए, आप कुछ और तरीका यूज़ करेंगे, आप किसी दोस्त को बुला लेंगे, आप टैक्सी ले लेंगे, अगर ये सारी चीज़ें आपको ना मिलना मिल रही हों और जाना ज़रूरी हो, तो आप कुछ ना कुछ करके वहाँ पहुँच ज़रूर जाते हैं. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये हम करते हैं उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए. इन अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी इन्हीं स्टेप्स के ऊपर बिल्ड करना शुरू करें, तो एक ना एक दिन हमें वो हर चीज़ पॉसिबल नज़र आना शुरू हो जाती है जो हमें पहले स्टार्ट में इम्पॉसिबल नज़र आती है. और आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदत जो है वो कर करके, इन फोर प्रिंसिपल्स के ऊपर अगर आप काम करना, की पॉइंट्स हैं ये, इनके ऊपर अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो, और आदत अपनी डाल लेंगे इस तरह से सोचने की, तो एक ना एक दिन आपका ख्वाब जो है वो ज़रूर पूरा हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.